अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत से हैक्स शेयर करने लगा हूँ लिपस्टिक के। आपको लिपस्टिक लगानी नहीं आती तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग लिपस्टिक लगाने में प्रो हो जाओगे। यकीन करें इतने आसान हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि डेली रूटीन में यूज हो रहे होते हैं लिपस्टिक के अंदर, बट जिस तरह से यूज करने चाहिए वो आपको तरीका नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक्स रखी हैं, एक लिप पेंसिल है अगर आपके पास हो, ज्यादा नहीं आपके पास वैरायटी लिपस्टिक की, आप लोग जो है वो एक लिप पेंसिल डार्क कलर में और एक लाइट कलर में लिपस्टिक लेके अपने पास रख लें और डेली रूटीन में यूज करें। तो हैक नंबर वन की तरफ आ जाते हैं। आपको बिल्कुल भी लिपस्टिक लगाने का पता नहीं है, या आप लोग लिपस्टिक लगाते हो तो वो साइड पे लग जाती है या फिर नीचे लग जाती है, तो आपने अपने लिप्स के अंदर रख लेना है कॉटन बड, फिर आपने लिपस्टिक लगानी है और कॉटन बड ये हेल्प करेगा कि आपकी लिपस्टिक साइड पे नहीं लगेगी। काफी अच्छा हैक था। हैक नंबर टू की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लिपस्टिक जिसे लगानी नहीं आती या फिर आपने जल्दी में लिपस्टिक लगानी है तो आपने अपने लिप्स के ऊपर रख लेना है टिश्यू और आपने इमेजिन करना है कि आपके लिप्स किधर हैं। आपने फिर लिप्स के ऊपर अच्छे तरीके से टिश्यू के ऊपर लिपस्टिक को लगा देना है। आपने ज्यादा थोप थोप के लगानी है ताकि उसका जो रियल कलर है वो लिप्स के अंदर आ जाए। तो जब रियल कलर आ जाएगा तो उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और इक्वल लिपस्टिक लगेगी। बहुत ज़बरदस्त, ये भी हैक, आपका मसला सॉल्व हो चुका है। हैक नंबर थ्री उनके लिए जो लोग ग्लोसी लिप्स को लाइक करते हैं, उनके लिए मैं आज ग्लोसी लिप ग्लॉस घर में बनाना बताऊंगा कि किस तरह से बना सकते हो जल्दी जल्दी में। अगर आपके पास ये ग्लोसी लिप ग्लॉस नहीं है तो आपने बस ज़्यादा सिंपली लिप्स को रखना है और ज़्यादा डार्क या मैट लिपस्टिक नहीं लगानी, तो आपने ले लेना है एक पिंक कलर और एक आपको चाहिए होगी वैसलीन। तो मैंने एक ब्लश पैलेट ले लिया था काइली का, उसमें से पिंक कलर को मैं क्रश करके इसमें ऐड करूंगा, थोड़ी सी क्वांटिटी लूंगा, ज़्यादा आपने नहीं लेनी, उतनी लेनी है जितनी आपने बनानी है। तो आप चाहे तो इसे बना के भी रख सकते हैं, बट मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ब्लश की ऐड की और इसके अंदर जो है सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा वैसलीन का। वैसलीन की भी मैं इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ज्यादा बना लूंगा तो वेस्ट हो जाएगी। थोड़ी सी वैसलीन की क्वांटिटी इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। वैसलीन ऐड करने के बाद इसकी मैं मिक्सिंग स्टार्ट करूंगा और मैं मिक्सिंग करता जाऊंगा तो मुझे आइडिया होता जाएगा कि ये लिप ग्लॉस की शक्ल इख्तियार कर रहा है, ये बिल्कुल लिप ग्लॉस की तरह ही बन रहा है। जितना आप मिक्स करोगे अच्छा उतनी ज़्यादा ये लिप ग्लॉस की तरह शाइन देगा और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। होममेड लिप ग्लॉस आप इसे बना के भी रख सकते हो। तो अब मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि इसका आइडिया हो जाए ये किस तरह का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ये लिप ग्लॉस की तरह, जैसे मार्केट के लिप ग्लॉसेस होते हैं बिल्कुल वैसा ही ये बना है। आपको शाइन से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने घर में सिर्फ एक मिनट के अंदर लिप ग्लॉस बना लिया। हैक नंबर जो फोर है हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा ओम्ब्रे लिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं और आपको चाहिए होगी एक डार्क ब्राउन लिप पेंसिल, चाहे तो आप डार्क मैरून में भी ले सकते हो और यहाँ पे आप जेल लाइनर भी यूज कर सकते हो ब्राउन वाला। इसको आपने अप्लाई करने के बाद लिप्स के ऊपर ब्लेंड करोगे जितना उतना ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा। फिर आपने एंड पे क्या करना है, टॉपर लेके आपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर देना है और यहाँ पे हैक डन हो चुका है। अब हैक नंबर फोर की तरफ आ जाते हैं कि आपकी लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं होती। आप जब पानी पीते हो तो ग्लास के साथ लिप्स टच होते हैं तो वहां पे भी आपकी लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफर होती है, फिर एंड पे आप क्या करते हो इसे साफ कर देते हो। तो अच्छा, अब आपने लिप्स जो है वो इस तरह से लिप पेंसिल से क्रिएट कर लेना है, अपने आपने बाउंड्री लाइन बना लेनी है लिप्स की और उसके अंदर आप चाहे तो लिपस्टिक को ही फिल कर लें या इसी पेंसिल को ही फिल कर लें, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे एक लेयर पेंसिल की देने के बाद ऊपर जो है लिपस्टिक कोई भी अप्लाई की जा रही है आप भी इसी तरह से कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इसे लिपस्टिक को अपने बनाना चाहते हो। उसके बाद अब ट्रांसफर प्रूफ की बारी आती है कि हमने किस तरह से बनानी है। आपने टिश्यू ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से लिप्स में दे के लिप्स को अच्छे तरीके से पुश करना है अंदर, तो ताकि टिश्यू के ऊपर जो प्रोडक्ट आनी है वो आ जाए। जब टिश्यू के ऊपर आ जाए तो फिर आपने कोई सा भी लूज पाउडर लेना है व्हाइट वाला, उसके साथ लिप्स को सेट कर देना है। हैक नंबर सिक्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या आपको बताऊंगा, अपने हैंड पे लगा के बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप जो है ओम्ब्रे लिप्स आपने बनाने बट आप वो पिंकी स्टोन में बनाना चाहते हो तो किस तरह से बनाओगे। आपने डार्क ब्राउन या फिर आप मैरून कलर भी ले सकते हो, मेरी तरह जिस तरह मेरे पास है रेड भी आप ले सकते हो स्टेज पे, जैसे कि मैं मैरून वाली लिप पेंसिल यूज करूं आप भी ले सकते हो ये वाली। लिप्स को अच्छे तरीके से आपने आउटलाइनिंग कर लेनी है पेंसिल की हेल्प से। जब आपकी आउटलाइनिंग हो जाए, आपको लगे आप सेटिस्फाई हैं आउटलाइनिंग से, तो फिर आपने आउटलाइनिंग करना छोड़ना है। आपने अच्छे तरीके से लिपस्टिक की आउटलाइनिंग कर लेनी है कि किसी तरह से बाहर नहीं निकलनी चाहिए आउटलाइन, बहुत अच्छे तरीके से लुकिंग वाइज गुड नजर आनी चाहिए आउटलाइनिंग। यहाँ मैंने आपको लिप्स ड्रा करके दिखा दिया, आउटलाइनिंग हो चुके हमारे लिप्स की। अब अंदर जो है मैं इसके न्यूड सा कलर फिल करूंगा, बहुत ज़्यादा न्यूड ये कलर है, लाइट सा पिंक है, ब्राउन एंड पिंक फैमिली में ये कलर मिक्स कर लो तो ये कलर आपका बन जाएगा। बहुत न्यूड सा कलर लिया, अब मैं जो है वो लिप्स के अंदर फिल करता जा रहा हूँ। आउटलाइनिंग भी इसमें
तकरीबन 70% में कवर कर लूंगा लिपस्टिक के साथ। थोड़ी थोड़ी नजर आनी चाहिए आउटलाइनिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा ह्यू देगी तब आपके ओम्ब्रे लिप्स लगेंगे। आप जो है पिंक ओम्ब्रे लिप्स बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके, इन्हीं हैक्स को फॉलो करके आप जो है वो ओम्ब्रे लिप्स बना सकते हो बहुत इजीली। ये कलर जो है ओम्ब्रे लिप्स का हर ड्रेस के साथ चल जाता है और मोस्टली यही डेली रूटीन में भी कलर यूज़ हो रहा होता है, और शादी वेडिंग वगैरह के फंक्शन पर भी यही कलर जो है वो मोस्टली वलीमा ब्राइड्स पे या इस तरह से पार्टी मेकअप्स में भी ये लिप्स यूज़ हो रहे होते हैं, बना रहे होते हैं लोग। अब हैक नंबर जो है वो 7 की तरफ आ जाते हैं कि आपने छोटे लिप्स को बड़ा किस तरह से दिखाना है। इनके लिप्स आप देख तो बहुत ज्यादा स्मॉल से लिप्स हैं, और सबसे पहले आपने कंसीलर अप्लाई कर लेना है या फाउंडेशन कोई भी फेयर शेड में लिप्स के ऊपर, और फिर आपने लिप पेंसिल से एक सर्कल सा बनाना है अपने अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स के दोनों को आपस में आपने ज्वाइंट कर लेना है, जोड़ लेना है इस तरह से एक गुलदारे की हेल्प से। फिर आपने लिप पेंसिल की हेल्प से पूरे लिप्स को शेप कर लेना है। फिर आपने टॉपर या लिप ग्लोज मिड में लिप्स के अप्लाई करके आपने मिक्स कर लेनी है लिपस्टिक, और इफेक्ट जो है आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा लिप्स का, कि आपके लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड और पाउटी लिप्स आपके लगेंगे। हैक नंबर 8 ये है कि आपके अगर बड़े लिप्स हैं तो आप उन्हें नॉर्मल या छोटा कैसे दिखाना चाहते हो। आपने कोई सी भी डार्क लिपस्टिक अपने लिप्स पे हमेशा अप्लाई करनी है। जब आप लोग डार्क लिपस्टिक ऐड करोगे अपने लिप्स के अंदर तो आपकी जो है लिप्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्मॉल और मीडियम से लिप्स लगेंगे जितने होने चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा हैक है। हैक नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट हैक है। अब लिपस्टिक को आपने रिमूव किस तरह से करना है। लिपस्टिक तो लग गई, लिप ग्लोसेस लग गए, मैट ग्लोसेस लग गए, बट रिमूव करना नहीं आ रहा होता हर किसी को। आपने लेनी है वैसलीन थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने लिप्स के ऊपर लेके इस तरह से रबिंग मोशन में आपने करनी है रबिंग लिप्स के ऊपर वैसलीन की। मैंने उसी लिपस्टिक के ऊपर रबिंग किया जो कि मैंने पीछे हैक में आपको लगा के दिखाई थी, वही मैं रब कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से रबिंग मोशन में अपने हाथ को घुमाओगे तो आपकी लिपस्टिक डेफिनेटली क्लीन होती जाएगी, आपके लिप्स के ऊपर से उतर जाएगी। मैं आपको साफ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये उतरी है या नहीं उतरी। तो टिश्यू नहीं था मेरे पास, मैंने अपने हैंड की हेल्प से साफ कर दिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रही थी, स्किन के ऊपर उतर चुकी थी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही था, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।